नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर बीते कई महीनों से काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। दरअसल लोगों का ये मानना है कि हार्दिक पांड्या पूरे साल भर चोटिल होते हैं, देश के लिए खेलने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसके बावजूद वो आईपीएल खेलने के लिए पूरे तरीके से फिट हो जाते हैं। ये बात तब उठी जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के हाथों ट्रेड किया और उन्हें अपना नया कप्तान नियुक्त कर दिया। रोहित शर्मा को बताए बिना हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के फैंस कई खेमों में बटते नजर आए। ऐसे में हाल ही में हार्दिक पांड्या ने विश्व कप से अपनी चोट को लेकर बाहर होने की बात को दुनिया के सामने रखा है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेरा टखना काफी सूजा हुआ था और मुझे काफी ज्यादा इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद मेरी एड़ी से और टखने से काफी ज्यादा खून भी निकाला गया, उसके बावजूद मैं फिट नहीं हुआ, इस वजह से मुझे विश्व कप 2023 से बाहर होना पड़ा। दरअसल हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट एसेट थे विश्व कप 2023 में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी को जब टीम में लाया गया तो वो भी टखने की चोट से जूझ रहे थे, लेकिन वो भयानक दर्द के बावजूद भारतीय टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करते दिखे, जिसकी वजह से देश के प्रति उनका जज्बा देखने को मिला। वहीं हार्दिक पांड्या लगातार चोटिल होकर बाहर चले गए और उसके बाद किसी भी सीरीज में उन्होंने वापसी नहीं की, लेकिन आईपीएल जैसे ही आया वो अपनी वापसी के लिए पूरे दरवाजे खोल चुके थे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब विश्व कप को लेकर हार्दिक पांड्या के इस बयान ने काफी लोगों का मन बदलने की कोशिश की है। देखना होगा कि फैंस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।